महाराजगंज कस्बे में रेलवे आरक्षण केंद्र खुला है, जहां पर महीनों से लगभग टिकट न मिलने की हालत जर्जर बनी हुई है। यहां पे बहुत से लोग दूर दराज से आते हैं, टिकट न मिलने के बाद कड़ी धूप में बड़ी मशक्कत से आते हैं, घर वापस चले जाते हैं। आइए, यहां पे बहुत से लोग मौजूद हैं, हम देखते हैं टिकट की क्या स्थिति है इस समय आरक्षण केंद्र पर। आइए हम मिलते हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? आप यहाँ पे लगभग कितने दिनों से आ रहे हैं? आपको टिकट नहीं मिल रहा? 10 दिन से आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? भैया, मैं लगवा से आया हूँ। यहाँ पे टिकट की बहुत ज़्यादा समस्या है, लगातार बड़ी धूप में हम लोग लगभग 8-10 दिन से यहाँ पे आते हैं कंटिन्यू, लेकिन कोई सर्वर प्रॉब्लम है, कभी दुनिया में भी प्रॉब्लम बताते हैं सब, इसकी वजह से हम लोग काफ़ी दिक्कत होती है। भैया, आप कहाँ से आए हैं? पकड़ी से आए। आप लगभग यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? आपको टिकट नहीं मिल रहा है? 5 दिन से आ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं? आपको टिकट नहीं मिल रहा? आप आप टिकट मास्टर से इसके बारे में अपनी समस्या के बारे में कहें, क्या बताएं टिकट मास्टर? मेरी सर्वर खराब है। आप भैया कहाँ से हैं? पकड़ी से। पकड़ी से हैं। आपको टिकट मास्टर ने क्या बताया टिकट नहीं मिलने का कारण? सर्वर खराब है, मशीन खराब। चाचा, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हर पूछे। आप यहाँ टिकट लेने के लिए आए हैं, लगभग कितने दिन से आप टिकट लेने आए हैं? आपको टिकट नहीं मिल रहा? मैं तो आज ही आ जाए हैं। टिकट की क्या स्थिति? आप काउंटर पे गए थे? सर्वर डाउन है, इधर से टिकट नहीं देगा। सर्वर डाउन, मिला जुला के 3 तारीख से लगभग टिकट मास्टर से बात करने पे बताया कि 3 तारीख से यहाँ सर्वर डाउन है, पता नहीं कौन सी कमियाँ है। यहाँ पे टिकट मास्टर ने बताया है, यहाँ पे आरक्षण केंद्र का हालात बस हाथी के दांत की तरह दिखावे के लिए बना गया है। यहाँ पे बहुत से लोग रोज आते हैं, रोजाना घूम के चले जाते हैं, टिकट नहीं मिलने से मायूस होकर अपने घर चले जाते हैं। महाराजगंज मरीज द्वारा।